हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्राइन्यू एवरीडे में। आज मैं आपको विश्वकर्मा पूजा के बारे में बता रही हूँ। विश्वकर्मा पूजा को विश्वकर्मा जयंती कहा जाता है। यह हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा लोग धूमधाम से मनाते हैं। विश्वकर्मा पूजा भगवान से जुड़ी कथा। सतयुग का स्वर्ग लोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारका और कलयुग का हस्तिनापुर आदि के रचयिता विश्वकर्मा जी की पूजा अत्यंत शुभकारी है। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सदामापुरी, विषममंडलपुरी आदि का निर्माण किया था। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन आदि दैनिक उपयोग में लाने वाले वस्तु भी सब भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए हैं। कंद पुराण के नागर खंड में भगवान विश्वकर्मा के वंशजों की चर्चा की गई है। ब्राह्मण स्वरूप विराट श्री विश्वकर्मा पंच मुख हैं। उनके पांच मुख हैं और जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऋषियों को मंत्रों द्वारा उत्पन्न किए हैं। अनेक नाम हैं, मनु, मैं, शिल्पी, दिवांग, तवस्ता। ऋषि मनु विश्वकर्मा ये सनांग गोत्र के कहे जाते हैं। ये लोहे के कर्म के उद्गत गात हैं। अनेक वंशज लोहकार के रूप में जाने जाते हैं। सनातन ऋषि मैं ये सनातन गोत्र के कहे जाते हैं। ये बढ़ई के काम के उद्गात हैं। अनेक वंशज कास्टर कार के रूप में जाने जाते हैं। अभून ऋषि त्वष्टा इनका दूसरा नाम त्वष्टा है। जिनका गोत अहम्भन है। इनके वंशज त्रमाक के रूप में जाने जाते हैं। प्रत्यंत ऋषि शिल्पी इनका दूसरा नाम शिल्प है। जिनका गोत प्रयत्न है। इनके वंश शिल्पकार के अधिष्ठाता हैं और अनेक वंशज संगतरास भी कहलाते हैं। अनेक मूर्तिकार भी कहते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजन विधि। इस दिन प्रातः स्नान आदि करने के बाद पत्नी के साथ पूजा स्थान पर बैठें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके बाद हाथ में पुष्प अक्षत लेकर ओम अकार सल्पेत का नाम और ओम कुमे नमः, ओम अनंत नमः और पृथ्वते नमः कहकर चारों को अक्षत छिड़के और पीली सरसों लेकर चारों दिशाओं को बांधें। अपने हाथ में अक्षा सूत्र बांधे तथा पत्नी को भी बांधे। पुष्प जल पात्र को छोड़े। इसके बाद हृदय में भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करें। रक्षा दीप जलाएं। जल के साथ पुष्प एवं सुपारी लेकर संकल्प करें। शुभ भूमि पर अष्ट दल उस स्थान पर सात अनाज रखे। उस पर मिट्टी और तांबे का जल डालें। अनेक इसके बाद पंचलाव या पांच पेड़े के पत्ते, सात प्रकार की मिठाई, सुपारी, दक्षिणा कलेश में डालकर कपड़े से कलश को ढक दे।
चावल से भरा पात्र समर्पित कर ऊपर विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति स्थापित करें और वरुण देव का आह्वान करें, पुष्प चढ़ा कर कहें, हे विश्वकर्मा जी, इस मूर्ति में विराजित और मेरी पूजा स्वीकार करें। पूजा जब संपन्न हो जाती है तो अगले दिन मूर्ति विसर्जन का दिन आता है। उस दिन लोग मूर्ति को गाड़ी पर बैठाकर, गाड़ी को सजाकर, फूल माला लगाकर अच्छे से सजाए रहते हैं और विश्वकर्मा भगवान पर बैठाते हैं और लोग अबीर फूल एक दूसरे पर छींटते हैं और रास्ते में प्रसाद आदि लोगों को बांटते हुए चलते हैं।